बोकारो और चास में विद्युत आपूर्ति में कटौती को लेकर विधायक विरिंची नारायण के आवास के बाहर लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। धरने का नेतृत्व कर रहे बोकारो विकास फोरम के अध्यक्ष अनिल सिंह ने कहा कि विधायक और सांसद ढुल्लू महतो ने संयुक्त रूप से कहा था कि बिजली दो दिनों के बाद से 23 घंटे मिलनी शुरू हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उन्होंने कहा कि भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र में भी विद्युत आपूर्ति शामिल थी, जनता ने इन्हें वोट दिया, इसलिए इन्हें आपूर्ति सुनिश्चित करानी होगी। और बिजली जो है कि 24 घंटे इन्होंने मैनिफेस्टो में, इनकी पार्टी की तरफ से मैनिफेस्टो में आया था कि जनता को 24 घंटा बिजली देंगे। अगर आपके शरीर में ऊर्जा का संचार नहीं है तो आपका शरीर और जीवन व्यर्थ है। उसी तरह से अगर हमारे जीवन में बिजली नहीं है तो सब कुछ बेकार है। और जैसा कि आप जानते हैं कि नेता प्रतिपक्ष और बोकारो के माननीय विधायक और धनबाद के नवनिर्माणित सांसद ने कहा था कि 14 तारीख को इन्होंने संयुक्त वार्ता कर कहा 3 दिन में बिजली आ जाएगी। 3 दिन में तो बिजली आई नहीं साहब। मैंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा था 15 तारीख को कहा कि 72 घंटा में अगर जनता को बिजली नहीं मिलती है तो फिर मैं इस बार ना चास पुल जाम होगा, ना बिजली आवास जाम होगा, ना उपायुक्त कार्यालय होगा। जनता जिसको चुनी है अपने जनप्रतिनिधि राजा साहब के दरबार में अभी हम लोग आए हुए हैं बिजली को लेकर करके कि साहब कब आप बिजली दोगे जनता को। 24 ये धरना कब तक जारी रहेगा?